अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुदस्सर इकबाल और आप देख रहे हैं मुदस्सर इकबाल यूट्यूब चैनल। बात यह है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं टेलीविज़न पर। जब आप देखते हैं कि कुछ लोग खबरें पढ़ रहे हैं और कुछ लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? उनके आप नाम जानते हैं क्योंकि वो अपने नाम के साथ बुलाते हैं। जैसे मैं मुदस्सर इकबाल, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। आपको ये पता चलता है कि बोल पर एक मुदस्सर इकबाल एंकर खबरें पढ़ता है, प्रोग्राम करता है। इसी तरह से बहुत सारे एंकर्स हैं, लेकिन ये करते क्या हैं, ये कौन है, इनकी हॉबीज़ क्या हैं, ये अपनी आम रूटीन लाइफ में क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ किस तरह से होते हैं, ये ज़रूर क्यूरियोसिटी होती है। बहुत सारे लोग तो मुझसे ये सवाल करते हैं, जब वो ब्रेक होती है तो आपस में आप बातें क्या करते हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के दिमागों में सवाल पैदा करती हैं। आज हमारे साथ एक एंकर मौजूद हैं और इन एंकर से हम बात करते हैं कि ये कब इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और अब कहाँ पर पहुँची और कहाँ जाना चाहती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब महविश तबस्सुम, जो अब महविश अनस हो गई हैं। ये भी कहानी पूछते हैं कि ये महविश तबस्सुम को हम जानते थे इतने सालों से, 10-12 साल से, कि अचानक महविश अनस हो गई। नहीं, इतने साल तो हो ही गए होंगे आपको और मुझे एक दूसरे को जानते। बिल्कुल, मैं आपको जानते हुए 11 साल। तो माविश कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। कपड़े ये आपको किसी ने वो किए हैं, स्पॉन्सर? नहीं, किसी ने स्पॉन्सर नहीं किए, मैंने परचेज किए हैं जाकर। अब ब्रांड का नाम भी बता दो, उनकी पब्लिसिटी हो जाएगी या रहने दो। नहीं, नहीं, आप बता दें, हमें हमारा वो मसला नहीं, निजी चैनल वाला, निजी होटल वाला, हमारा यहाँ कोई मसला नहीं। ये मैंने लूलू सर से खरीदी है, आपको पता लूलू सर आजकल हम सब एंकर्स का फेवरेट ब्रांड है। चलें, ये इसको थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। आप इतने कपड़े खरीदती भी हैं या वैसे मतलब ले लेती हैं, दे दिया आपने पहन लिया? मुझे तो लगता नहीं इतने पैसे तो नहीं लगाती हैं। नहीं, मैं मोस्टली कपड़े खुद ही खरीदती हूँ क्योंकि मुझे शौक भी है और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि हमारी स्क्रीन की रिक्वायरमेंट भी है, जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो मैं ज़्यादा कपड़े खरीदती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि स्पॉन्सर हो जाते हैं इवेंट्स वगैरह, अगर किसी शादी पे जाना हो तो फिर हमें ब्रांड्स जो हैं वो मुझे स्पॉन्सर कर देते हैं कपड़े, लेकिन जो डेली रूटीन में न्यूज़ या प्रोग्राम में मैं ड्रेसिंग करती हूँ वो मेरी। इतनी संजीदा क्यों है? क्योंकि मैं आई एम अ सीरियस पर्सन। इतनी संजीदा हो कि आप क्यों बात कर रही हैं मुझसे, ऐसे बता रही हैं? मुझे पता नहीं है कि आप कितने स्पॉन्सर कपड़े पहनती हैं, मुझे नहीं पता। मैं स्पॉन्सर पहनती हूँ कपड़े, लेकिन जो मेरे डेली रूटीन के कपड़े होते हैं ना, न्यूज और प्रोग्राम के, वो मेरे अपने होते हैं। क्यों फिर तस्वीरों में लगा के नीचे लगाती हैं लूलू सर? ये तो लूलू सर सबको पता है, लूलू सर कभी भी स्पॉन्सर नहीं करता है कपड़े, लूलू सर के कपड़े हमें खरीदने ही पड़ते हैं। लूलू सर आप देखें, आपके कपड़े लोग पहनते हैं और आप स्पॉन्सर नहीं उनको करते, पूरी दुनिया उनको देखती है, ये बात ठीक नहीं है बिल्कुल। अच्छा, ये तस्वीरें बहुत लगाती हैं आप इंस्टाग्राम पे, बड़े आपके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हैं, ये क्या चक्कर, क्यों तस्वीरें इतनी ज्यादा लगाती हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट है और हम टीवी पर आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टीवी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त सोशल मीडिया है, और मुझे लगता है कि हमें अपना सोशल मीडिया भी उसी तरह मेंटेन रखने की जरूरत है जैसे कि हम अपना टीवी को मेंटेन रखते हैं। तो सोशल मीडिया से लोग हमें ज्यादा जानते हैं और सोशल मीडिया से लोगों को हमारी लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। वैसे देखिए, सोशल मीडिया पे मैं भी आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको ये फख्र तो होगा कि आप मेरे साथ आज इंटरव्यू में बैठी हैं, ये बड़ा आपने काम किया होगा, लेकिन ये फख्र आपके लिए बहुत बड़ा होगा। नहीं, ये तो बहुत बड़ा है और मैं कहती हूँ कि इससे बड़ा कोई और फख्र हो ही नहीं सकता। फख्र किसका नाम है वैसे? किसी का भी। अच्छा, तो ये अनस कौन है? अनस मेरे हस्बैंड है और अच्छा, मेरा निकाह हुआ है रिसेंटली, आपको पता है अगस्त में आप ही आए थे। अच्छा, मैं आया था, बिल्कुल वहाँ एक प्लेट भी टूटी थी। बिल्कुल, ये आए थे मैं निकाह पर और उनकी बेटी ने एक प्लेट तोड़ दी थी जिसके इजाफी बिल इन्होंने दिया था उसके लिए। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि ये कब आपका निकाह हुआ और क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरा निकाह हुआ था 4 अगस्त को, मेरे हस्बैंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और वहाँ बिजली की वायरिंग शेयरिंग करते हैं? नहीं, वायरिंग नहीं करते हैं। नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या काम, यही काम होता है? नहीं, मुझे इतना ज्यादा नहीं पता कि क्या काम होता है। क्यों ना सब आप यही मतलब बिजली के बोर्ड शोर ठीक करना, लाइटें, ये स्विच वगैरह लगाना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यही कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया चली जाएंगे? प्लान तो यही है कि जाहिर जहाँ मेरे हस्बैंड होंगे मुझे वहीं पे मूव करना है, तो रुखसती के बाद लेट्स सी कि अल्लाह ताला ने क्या प्लान किया है हमारे लिए, इरादा तो यही है। अच्छा, तो इसका मतलब है फिर आप खैर बात कह देंगी, आप वो जो खबरें पढ़ रही होती हैं मैं हूँ महविश अनस, वो खबरें खत्म,
तो आप मूव कर जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तानी मीडिया का मेरा टाइम है शायद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन चूंकि मैंने इतने साल यहाँ पे काम किया है और मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं ये जरूर कोशिश करूंगी कि अपने इस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करूँ। कितने साल हो गए वैसे आपको काम? मुझे 6 ईयर्स हो गए, 2013 तो आपको इतने साल ना हुए ना, आप तो अभी और काम कर सकती है, अभी क्यों ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, अभी यहाँ पे रहें पाकिस्तान में, पाकिस्तान को बड़ी जरूरत है आप जैसे एंकर से। नहीं, मेरे जैसी और भी बहुत सारी एंकर्स हैं और मेरा ख्याल है कि और भी लोगों को चांस। कपड़े कौन लेकर है? और एंकर्स लेंगे आजकल, आपको पता है हर लड़की को और हर लड़के को एंकर बनने का शौक होता है, तो मुझे लगता है किसी और को चांस मिलना चाहिए। कितना आसान है एंकर बनना? आसान तो नहीं है। अच्छा, आसान नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, या शायद स्टार्ट करना अपना करियर फिर थोड़ा इजी होगा, लेकिन आगे जाकर अपना नाम बनाना, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो उस कंपटीशन के बीच में अपने आप को, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना ये काफी मुश्किल है। तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर फिर आप क्या वहां से रिपोर्टिंग करेंगे? अभी ऐसा सच कुछ सोचा नहीं है, लेकिन काफी सारे ऑप्शंस हैं कि ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, तो ये तो वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या कर सकती हूँ। आप बहुत ज्यादा तस्वीरें लगाती हैं, तो तस्वीरों में आपके दोस्त भी होते हैं, दोस्त कौन है आपका मीडिया में, कौन मीडिया के लोगों? बेस्ट फ्रेंड की बात करें, अब बेस्ट फ्रेंड एक बता दें पहले, इसके बाद में दोस्त को पूछूंगा। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड की जहाँ तक बात है फील्ड में, तो वो तो सलमान मिर्जा है। अच्छा, आपने देखा होगा सलमान मिर्जा बोल न्यूज पे खबरें पढ़ते हैं जी, उससे पहले ARY में थे। बिल्कुल, हमने साथ ARY पे काम किया था, वहीं से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई थी, और अभी बेस्ट फ्रेंड है। उसमें सलमान में क्या ऐसा बेस्ट है कि आपको बेस्ट फ्रेंड है? मतलब ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आता, क्या इसे बेस्ट है वो बेस्ट फ्रेंड हो गया? अच्छा, वो इसलिए मेरा बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि जब मैं नई नई ARY पर आई थी, तो मैं स्टार्टिंग में ऐसी थी कि मैं हर एक की बात के ऊपर बहुत घबरा जाती थी और मैं परेशान हो जाती थी अगर मुझे कोई कुछ कहता था, या मेरे काम से रिलेटेड या वैसे भी। तो सलमान मेरा वो दोस्त है जिसने मुझे ये सिखाया कि नहीं, घबराना नहीं है, लड़ना है। मतलब उसमें आज से 6 साल पहले, 6 साल पहले नहीं, ARY की मैं बात कर रही हूँ, अभी ARY की। कितने साल पहले? ये भी दो अभी की बात है ना, हम लोग ARY में थे 1.5 साल पहले की बात है। यानी कि सलमान ने उस वक्त कहा था कि घबराना नहीं है, सलमान का ये जुमला था जो इमरान खान ने चोरी किया कि घबराना नहीं है। नहीं, सलमान की क्या दूरअंदेशी है? नहीं, मतलब उसने मुझे काफी ज्यादा, मेरी जो पर्सनालिटी है उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए, उसकी वजह से उसने मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में बताया कि अगर। और कौन कौन आपके दोस्त है सलमान की तारीफ में, या सलमान की इतनी तारीफ में उसका इंटरव्यू करके आपको दिखाएंगे वो कौन सलमान है? ठीक है, और कौन कौन से दोस्त हैं फील्ड में? अगर दोस्तों की बात करें तो नीलम के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, नीलम यूसुफ की बात करें जी, नीलम यूसुफ, सुमैया रिजवान, मुदस्सिर इकबाल, मुझे तो आपने ऐसे खाते में डाल दिया ना। सबीना राणा मेरी वो बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो PTV में एंकर है, आप जानते होंगे, सरकारी एंकर, शादी हुई है। और इसके अलावा आमना सज्जाद से मेरी बहुत दोस्ती है, दुनिया न्यूज के एंकर, और दोस्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो है। नहीं, ये तो सारे एंकर आपने दोस्त बताए हैं, मतलब एंकर के अलावा आप दोस्ती नहीं करती किसी? नहीं, मेरी दोस्ती जो आज तक चल रही है वो यूनिवर्सिटी की मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं उनके साथ चल रही है। उनके भी नाम बता दूं आपको, तो पता है हमारा ग्रुप था यूनिवर्सिटी में, हम 4 फ्रेंड्स थी फीमेल फ्रेंड्स, तो समिया, इफ्फत और मदीहा, वो आज तक मेरी फ्रेंड्स हैं, और एक मेरी कॉलेज की दोस्त है हुमैरा, वो आज तक मेरी दोस्त है। जो सारे मोहल्ले के नाम बता रही है, सारे मोहल्ले। अच्छा, मीडिया में प्रोड्यूसर्स वगैरह के साथ कोई दोस्ती नहीं? मतलब उनके साथ लड़ाई रहती है पूरे बुलेटिन के दौरान, वो उनसे दोस्ती नहीं? नहीं, दोस्ती होती है ना, हमारी है बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स की टीम है इवनिंग की, तो उन सबके साथ मेरी बहुत दोस्ती है। उनमें हसान है, दानियाल है, नदीम भाई है, उमेर है, और समाना है, शाकिया है, और किस किस का नाम बताओ, मेरी बहुत दोस्ती। अल्लाह इनसे सबसे बचाए जिनके आप नाम ले रहे हैं, दोस्ती वैसे मेरी बहुत दोस्ती है। अच्छा, हमारी तो नहीं खैर बन पाई उनके साथ कभी भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपने फील्ड चूज कर ली, ये आप यहाँ इस तरफ आ गई, ये सारी की सारी चीजें कर ली, आप किसको देखती हैं कि आपको बेस्ट न्यूज एंकर फीमेल, चले हम पहले बात करते हैं कौन है? मेरी जो फेवरेट न्यूज एंकर है वो आसमा इकबाल है, शुरू से वही थी, वो भी आजकल सरकारी टेलीविजन, बिल्कुल शुरू से वही थी, अब भी वही है, शायद हमेशा वही रहेगी। मुझे आसमा इकबाल बहुत पसंद है, उनका न्यूज डिलीवर करने का जो अंदाज है, मतलब आई विश मैं उन्हें कॉपी कर सकूं, लेकिन जाहिर है आप किसी के स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकते। और आप नहीं, आसमा इकबाल के बारे में हम बात ये करते हैं कि आसमा इकबाल खबरें नहीं पढ़ती हैं, वो खबरें गुनगुनाती हैं, गाती हैं वो खबरें, तो आपको पता है गाना ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए आसमा इकबाल के बारे में ये जुमला बोला, खबरें पढ़ने में वो लाजवाब है।
मेल है, और मेरी तारीफ ना कीजिएगा आप, मतलब मैं तो नहीं, मैं आपका नाम लेना था, मतलब आपने कह दिया। नहीं अब ऐसे मेरे ना लगाए, मैं तो देखिए मैं तो बेस्ट हूँ आपके नाम, लेकिन आपको मेल को एंकर पसंद है? नहीं मुझे मेल न्यूज एंकर्स में से कोई भी, क्योंकि मैं मेल सलमान तुम सिर्फ दोस्त हो, तुम मेल एंकर पसंद नहीं हो, तुम दोस्त हो बेस्ट बड़ी हो इसके, लेकिन तुम पसंद नहीं हो। अच्छा मैं मेल न्यूज एंकर्स को इतना ज्यादा नहीं गौर से देखती, इतना नोटिस नहीं करती, क्योंकि उनके साथ मुझे लगता है मेरा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। अच्छा मतलब वो उधर ही नहीं करती, मेल एंकर भी कोई चीज होती है। अच्छा कोई प्रोग्राम एंकर आपको पसंद है? प्रोग्राम एंकर का नाम आसमा इकबाल का ही नाम लूंगी, वो अपने प्रोग्राम भी करती है पीटीवी पर, वो थोड़ा न्यूज़ी टाइप, मुझे बस वही पसंद है मुझे। चलें जी आसमा इकबाल आप ही पसंद है, इनके अव्वल और आखिर ही आप हैं, वो कहें कि और है ही कोई, मुझे पसंद ही नहीं है पूरा, मतलब लोग परेशान हो गए हैं कि काम करके ने, लेकिन इनके चॉइस मतलब है कि कपड़े लोलू सर के और एंकर आसमा इकबाल, तो बस इससे आगे कोई चीज पसंद नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको इस फील्ड में आते हुए मुश्किल नहीं घर वालों से, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये वाला काम नहीं करना? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी मदर का ड्रीम था, वो जब यंग थी तो वो एंकर बनना चाहती थी, तो मैंने उनका ड्रीम पूरा किया, क्योंकि उस वक्त ना तो अपॉर्चुनिटीज होती थी और ना उनको परमिशन थी, तो वो ये चाहती थी कि वो एंकर बनती है, तो वो कहती थी कि बस बड़ा दिल चाहता था मेरा एंकर बनाने का, कि ये हसरत ही होनी चाहिए मैं एंकर बनूंगी, तो इसलिए मम्मा का ड्रीम था, लेकिन डैडी की स्ट्रगल की वजह से, मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल की इस चीज के लिए, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि नहीं तुम एंकर बन सकती हो, क्योंकि मैं जब भी ऑडिशन देने जाती थी या कभी भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ये सफर बहुत मुश्किल है, मैं गई हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि मैं आगे जा पाऊंगी, तो मेरे फादर मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे और मुझे कहते थे नहीं बेटा तुम कर सकती हो, तो मम्मा का ड्रीम और डैडी की जो स्ट्रगल और मोटिवेशन है उसकी वजह से मैं अंकल बनी कोई। तो ये जो आपको मोटिवेशन मिली वहां से, मोटिवेट से याद आया कि आप मोटी हो गई हैं पहले से? मुझे सब लोग मोटिवेट से मोटी भी और आप भी कहते हैं, और मुझे हर बंदा कहता है कि मैं मोटी हो गई हूँ, पहले मैं बहुत ज्यादा स्किनी थी, और मुझे लगता है अच्छी बात है ना, मुझे पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। पॉजिटिव चेंज मतलब मोटे होने में उनको लगता है स्किनी होने में। अच्छा जबरदस्त है। अच्छा आप एक बात बताएं कि खाने पीने की कितनी शौकीन है? बहुत शौकीन हूँ, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। नहीं अपने पल्ले से खाने की, पल्ले से भी खाती हूँ, ज्यादा अपने पल्ले से ही खाती हूँ, और दूसरों के घरों का खाना खाती हूँ। अच्छा तो क्या खाने में क्या पसंद? मुझे दाल चावल घोड़ा और कड़ी कड़ी, मतलब सस्ते खाने इनको पसंद है, ये अपने पल्ले से ये इनके पसंद है सस्ते खाने, लोगों के जो पसंद होगी वो फिर सारी वो भी यही पसंद होता है मुझसे, अगर कोई पूछे कि घर से क्या बनवा कर लाऊं अपनी मम्मी से, क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, तो ये ना बताएं सबको वगैरह होते हैं क्यों इसमें क्या है, हम लोग बहुत सारी एंकर्स कराची में अकेली रहती है, और अपना करियर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ, और उन सब एंकर्स को मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, तो वो जो कोई पूछे भी कि क्या खाना है घर से क्या बनवा कर लाऊं, क्योंकि मेरे कुछ कॉलीग्स ऐसे हैं इतने अच्छे, तो मैं यही बोलती हूँ कि दाल चावल या कड़ी पकौड़ा बना के ला दो अपनी मम्मी के हाथ का, तो वो मुझे पसंद है। चले हम आपके हाथ का भी कभी कड़ी पकौड़ा या दाल चावल खाएंगे तो फिर हम बताएंगे दाल तो आती है, कड़ी अच्छी अच्छी कुक है कि नहीं है। चावल बना लेती हूँ, चावल बना लेती हूँ, कल मैं बनाकर लाई थी, आप लाई थी कल बनाकर, इसीलिए लाए थे कि मैं नहीं मैं बस बहुत शुक्रिया आपका, आपकी नई जिंदगी इसी साल 2020 में शुरू हो रही है, वैसे तो आपकी शादी हो जाएगी लेकिन रुखसती फिर आप पाकिस्तान में छोड़ के चली जाएंगी, रुखसती इंशाल्लाह विद इन अ ईयर ही है, अच्छा इसी साल के अंदर इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर आप पाकिस्तान से जा भी सकती हैं, लेकिन मीडिया को खैर बात वो नहीं कहेंगी, यूट्यूब चैनल भी वैसे आप बना सकती हैं लोगों से इंटरेक्शन के लिए, और मेरा इंटरव्यू भी ले सकती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो जनाब आपने इंटरव्यू सुना, और चैनल के बारे में जो बात मैं रोजाना करता हूँ वो करेंगी आज महबिश अनस। बिल्कुल मुदस्सिर इकबाल का यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा कॉमेंट करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, तो आप लोगों ने सबने जितने भी मेरे फैंस हैं यूट्यूब चैनल मुदस्सिर इकबाल का सब्सक्राइब करना है, फैंस भी, फ्रेंड्स भी, कॉलीग्स भी, फैमिली भी, हर एक ने करना है, और इस इंटरव्यू के नीचे आपने जरूर लिखना है कि कौन से सवाल को, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें महबिश के साथ बात करनी चाहिए थी, और हम उनके पर जवाब आपको डायरेक्ट भी दे सकते हैं आपके कमेंट में, इसलिए कमेंट में आप जरूर सवाल भी करें और अपनी राय भी दीजिए। मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।